Hello students, my name is Surbhi Jain, Faculty of Civil Engineering Department, SISTec, Gandhi Nagar, Bhopal. Today we will solve more numericals on the topic ILD for support reactions. Question number 3 start today. The series of load 1 kN, 8 kN, 2 kN and 10 kN are moving on a simply supported span from right to left support. एक कोई बीम है उस बीम पर राइट साइड से सीरीज ऑफ मूविंग लोड आ रहे हैं जो कि 1 किलोन्यूटन 8 किलोन्यूटन 2 किलोन्यूटन एंड 10 किलोन्यूटन के लोड्स हैं और सिंपली सपोर्टेड बीम पर ये राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं हमको क्या डिटरमाइन करना है डिटरमाइन द मैक्सिमम पॉसिबल रिएक्शन एट लेफ्ट सपोर्ट विथ डिटेल्स ऑफ द लोकेशन ऑफ सीरीज मतलब हमको मैक्सिमम पॉसिबल रिएक्शन कैलकुलेट करना है इस बीम पर कि मैक्सिमम पॉसिबल रिएक्शंस क्या हो सकती है जब ये जो मूविंग व्हील लोड्स हैं ये सीरीज ऑफ मूविंग व्हील लोड्स मूव करेंगे राइट टू लेफ्ट में तो मुझे उस समय लेफ्ट पे मतलब ए सपोर्ट पे रिएक्शन कैलकुलेट करनी है और वो रिएक्शन मैक्सिमम कैलकुलेट करनी है क्योंकि जैसे जैसे सीरीज ऑफ मूविंग लोड आगे की तरफ बढ़ेगा जैसे जैसे सीरीज ऑफ मूविंग लोड आगे की तरफ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो ए पे रिएक्शन है वो उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी इंक्रीज होती जाएगी तो मुझे मैक्सिमम रिएक्शन कैलकुलेट करनी है तो मैंने ये रिएक्शन कैलकुलेट टॉपिक स्टार्ट जब किया था तब मैंने बताया था कि जैसे जैसे लोड जिस भी सपोर्ट की तरफ पास आता जाता है उसकी रिएक्शन वहाँ पर रिएक्शन वैल्यू क्या हो जाती है मैक्सिमम हो जाती है ना तो जैसे जैसे वो ए की तरफ आएगा तो उसकी जो रिएक्शन सपोर्ट रिएक्शन है ए की तरफ मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे ए सपोर्ट पे जो रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी अब मुझे वही चेक करनी है कि जब वो पास आ जाएगा तो उसकी मैक्सिमम रिएक्शन कितनी होगी अगर अब यहाँ पे सीरीज ऑफ लोड 1 का है 8 का है 2 का है 10 का है अब ये भी हम समझ सकते हैं कि मैक्सिमम रिएक्शन कब होगी जब लोड उस सपोर्ट के ऊपर होगा तो मैं सीरीज ऑफ लोड को ए पे रख देती हूँ है ना तो जब ए पे रखूंगी तो सबसे पहला लोड इस सीरीज ऑफ लोड में सबसे पहला लोड कौन सा आएगा 1 का आएगा तो एक पॉसिबिलिटी हमारे यहाँ ये बन जाएगी पहली पॉसिबिलिटी कि जब 1 किलोन्यूटन का लोड ए पे रखा आएगा उसके 2 मीटर बाद फिर 8 किलोन्यूटन रहेगा फिर 2 मीटर बाद 2 किलोन्यूटन रहेगा फिर 2 मीटर बाद 10 किलोन्यूटन का लोड रहेगा है ना तो ये एक पहली पॉसिबिलिटी रहेगी हम उसके इस सीरीज ऑफ लोड को जब ए सपोर्ट पे आया है तब हम इसके लिए रिएक्शन कैलकुलेट कर लेंगे पहले आरए की ठीक है तो एक पॉसिबिलिटी हमारी आरए की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी फिर हम सेकंड पॉसिबिलिटी के लिए चेक करेंगे 1 किलोन्यूटन लोड को हम क्या कर देंगे आगे की तरफ मूव कर देंगे और 8 किलोन्यूटन लोड को ए सपोर्ट पे रखेंगे उसके बाद 2 किलोन्यूटन लोड 2 मीटर के बाद आएगा फिर 10 किलोन्यूटन लोड फिर 2 मीटर के बाद आएगा फिर रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे हम तो ये पॉसिबिलिटी नंबर सेकंड आ जाएगी इससे रिएक्शन कुछ निकल कर आएगी मेरी ठीक है उसके बाद फिर हम क्या करेंगे 8 को भी आगे कर देंगे मतलब 1 के पीछे 1 किलोन्यूटन सबसे आगे होगा फिर 2 मीटर पे 8 किलोन्यूटन होगा फिर ए सपोर्ट पे 2 किलोन्यूटन का लोड आएगा फिर 2 मीटर बाद फिर 10 किलोन्यूटन का लोड आएगा और फिर हम रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे आरए की फिर एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है कि जब 10 किलोन्यूटन का लोड ए पर आएगा और आगे के जो 1, 8 और 2 किलोन्यूटन हैं ये ए सपोर्ट से आगे निकल जाएंगे ये फोर्थ पॉसिबिलिटी है इससे अपन आरए की रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे इन चारों में से जो भी मेरी मैक्सिमम रिएक्शन की वैल्यू होगी वो मेरा आंसर होगा है ना तो अब अगर हम देखें अगर हम 1 को यहाँ पे पुट करते 1 को पहले ए पे लेकर आते हैं 1 किलोन्यूटन के लोड को तो आरए की जो भी रिएक्शन बनेगी कुछ भी वैल्यू आएगी तो और 8 को फिर लेकर आएंगे तो भी कुछ वैल्यू आएगी तो हमें ये समझ में आ रहा है कि जब 1 तो बहुत कम लोड है तो 1 की वजह से तो ठीक है जितना भी आ सकता है मैक्सिमम जो भी रिएक्शन आएगी आ रही कि हम उसको लिख के रख लेंगे 1 जब आगे की तरफ आ जाएगा फिर 8 आएगा तो 8 किलोन्यूटन का लोड मैक्सिमम है तो इससे भी कुछ रिएक्शन निकल कर आएगी तब ये आगे हो जाएगा तो फिर 2 आएगा तो 2 और 10 की वजह से यहाँ पे लोड की वैल्यू है वो क्या हो गई है कम हो गई है तो अपन 2 जब 2 ए पे आएगा और 10 जब ए पे आएगा ना तो इन पॉसिबिलिटीज को अपन चेक नहीं करेंगे क्योंकि ये समझ में आ रहा है कि जब 1 को हम पुट करेंगे तो शायद आ सकती है मैक्सिमम रिएक्शन आ रहे पे या जब 8 को जब 8 ए सपोर्ट पर आएगा तो हो सकता है कि मैक्सिमम रिएक्शन आ सकती है लेकिन जब 2 को हम ए सपोर्ट पे लेकर आएंगे तो ये पॉसिबिलिटी कम है कि आरए की रिएक्शन
ज़्यादा हो, है ना। और 10 आएगा तो भी सारे के सारे लोड तो आगे की तरफ आ गए, सपोर्ट के आगे ही आ गए, तो फिर भी ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि आरए पे 10 किलोन्यूटन जब आएगा, लोड आएगा ये सपोर्ट पे, तो रिएक्शन मैक्सिमम हो। तो इस आप चाहें तो आप चारों के लिए भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। आप 1 और 8 पे लेके पहले चेक कर लें, और जो वैल्यू आएगी उन दोनों में से जो मैक्सिमम होगी वो आरए की मैक्सिमम पॉसिबल रिएक्शन हो जाएगी लेफ्ट सपोर्ट पे, ठीक है। तो हम इस सॉल्यूशन हमने स्टार्ट करते हैं, मैंने पहले ब्रीफ कर दिया आपको, हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, आईएलडी फॉर आरए, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, लेफ्ट सपोर्ट पे रिएक्शन कैलकुलेट करनी है, और वो भी कौन सी, मैक्सिमम रिएक्शन, है ना, और किसके कारण, जो लोड मूव कर रहा है राइट टू लेफ्ट में उसके कारण, है ना। तो अब हम मतलब मुझे मेन एम क्या है, आईएलडी निकालना है आरए पे, लेफ्ट सपोर्ट पे जो सपोर्ट पे जो रिएक्शन है वो मुझे आरए कैलकुलेट करनी है। तो पहला हम फर्स्ट पॉसिबिलिटी हम ये बनाते हैं, मैंने जैसे कि आपको बोला था कि जो बी सपोर्ट के पहले जो लोड लगा हुआ है वो राइट टू लेफ्ट आ रहा है ना। तो जैसे जैसे वो मूव करेगा तो वो तो मूव ही कर ही रहा है, बी से थोड़े से आगे आएगा तो हम आरए की वैल्यू चेक करेंगे, फिर बी से फिर थोड़ा सा आगे आएगा तो भी आरए की वैल्यू चेक कर सकते हैं। मतलब ये बोल रही हूँ मैं कि अगर लोड यहाँ पर भी होगा तब भी आपको आरए की वैल्यू चेक करना है, जब इधर पर ये मूव हो जाएगा, लोड इधर पर आ जाएगा, तब भी आपको आरए की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो मतलब आपको हर पॉइंट पे कैलकुलेट करके चेक करना है, लेकिन हमें ये पता है, हमें ये पता है कि जैसे जैसे सीरीज ऑफ लोड सपोर्ट के पास आता जाता है वैसे वैसे उसकी रिएक्शन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हम जब 20 के बस 20 से जब मूव कर रहा है तो हम क्यों फालतू में अननेसेसरी टाइम वेस्ट करें और उस तब भी रिएक्शन आरए की वैल्यू कैलकुलेट करें, हम तो डायरेक्टली ए सपोर्ट पे लोड रखते जाते हैं और रिएक्शन कैलकुलेट करते जाते हैं और पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं। तो इसलिए मैंने सबसे पहले जो भी सीरीज ऑफ लोड था उसमें 1 किलोन्यूटन पहले आ रहा था, इसलिए मैंने 1 को ए पे रख दिया पहले, और बाकी के उसके पीछे के लोड रखे हुए हैं 8, 2 और 10 किलोन्यूटन। अब इसकी वजह से हम रिएक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं आरए पे। तो मैंने आपको मूलर ब्रेसलो प्रिंसिपल ने ये बोला था कि जिस भी सपोर्ट पे आपको रिएक्शन कैलकुलेट करनी है वहाँ पे आप बीम को यूनिट लोड से अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट कर दो। तो मैंने यही किया कि मैंने यूनिट लोड से जो अपवर्ड डायरेक्शन में यूनिट लोड से लिफ्ट कर दी बीम को, और बी सपोर्ट पे लिफ्ट नहीं करूंगी, तो ये इंक्लाइंड कर्व बन गया। ये हमने पढ़ा था मूलर ब्रेसलो प्रिंसिपल में, हमने ड्राइव भी किया था इसके लिए रिलेशनशिप, और मैंने फिर आपको कंक्लूजन में बता दिया था कि डायरेक्टली आप इसको यूज़ कर सकते हो जहाँ पे भी आपको रिएक्शन कैलकुलेट करना है। मुझे ए पे कैलकुलेट करना है, मैंने मतलब यूनिट लोड से वहाँ पे बीम को लिफ्ट कर दी अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब मेरा काम क्या होगा, अब 1 किलोन्यूटन के लोड की वजह से जो बीम में जो बीम जो जितने ऊपर उठी हुई है वो कितने ऊपर से अपलिफ्ट हुई है, 1 किलोन्यूटन से, है ना, क्योंकि उसकी वैल्यू आपको दिख रही है डायरेक्टली 1 किलोन्यूटन है। अब 8 किलोन्यूटन के नीचे जो बीम है वो कितने से ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में अपलिफ्ट हुई है, एक्स से, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मुझे पता नहीं है। ऐसे 2 किलोन्यूटन के नीचे भी वाई से हुई है, 10 किलोन्यूटन के नीचे भी जेड से हुई है। तो मुझे यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना, एक्स वाई और जेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी से एक्स वाई और जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, करेंगे मीन्स, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी अपन यूज़ करते हैं। सबसे पहले बड़ा वाला ट्राइंगल में हमको कौन सी वैल्यू पता है, एक तो 1 है ना, और एक टोटल जो बीम का स्पान है ए बी का जो लेंथ है वो ले लेंगे, मतलब 1/15 इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स जहाँ पे लगा हुआ है, ये जो एक्स लगा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 13 है, है ना। कैसे 13 है, इधर से Z से लेके इधर तक तो B तक 9 है, फिर जो लोड्स हैं वो 2-2 मीटर के डिस्टेंस पर लगे हुए हैं, तो X से B तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। तो 1/15 इक्वल्स टू एक्स अपॉन 13 इक्वल्स टू में आपको X की वैल्यू मिल जाएगी 13/15। ओके, तो आपको यहाँ से X की वैल्यू मिल गई है। नेक्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे, Y की वैल्यू। Y की वैल्यू में हम क्या करेंगे, 1/15 फिर से इक्वल्स टू y अपॉन y से लेके b तक कितनी डिस्टेंस है, 9+2 कितना हो जाएगा, 11, y अपॉन 11, ऐसे y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट फिर ऐसे ही हम z की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, 1/15 इक्वल्स टू
जेड अपॉन 9, तो आपको यहाँ से जेड की वैल्यू मिल जाएगी 9/15। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, आरए के रिएक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। आरए के रिएक्शन कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी ऊपर आपके लोड रहे हैं और जो भी यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में जितना भी उनका जो बीम है वो डिस्प्लेस हुई है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 × कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि ये जो 1 kN का लोड है वो कितने से डिस्प्लेस हुआ है, 1 से। तो 1 × 1 हो जाएगा, प्लस फिर 8 है, 8 किससे मल्टीप्लाई होगा, x से। तो x की वैल्यू कितनी है, 13/15। नेक्स्ट 2 kN किससे मल्टीप्लाई होगा, y से, y की वैल्यू कितनी है, 11/15। नेक्स्ट 10 kN किससे मल्टीप्लाई होगा, z से, z की वैल्यू कितनी है, 9/15। तो आपको यहाँ से आरए की वैल्यू मिल जाएगी 15.4 kN। ठीक है, तो आपने फर्स्ट पॉसिबिलिटी में क्या कैलकुलेट कर लिया, आपने फर्स्ट पॉसिबिलिटी में आरए की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हम क्या करेंगे, सेकंड पॉसिबिलिटी बनाएंगे। सेकंड पॉसिबिलिटी में क्या हो जाएगा, ये जो सीरीज ऑफ व्हील लोड है ना, ये सीरीज ऑफ व्हील लोड, इनमें से एक लोड आगे की तरफ मूव कर जाएगा, बीम से आगे की तरफ निकल जाएगा, है ना। तो 1 kN का जो लोड है वो क्या हो जाएगा, आगे की तरफ मूव हो जाएगा। देखिए ये ए सपोर्ट से जो 1 kN है वो आगे की तरफ व्हील लोड शिफ्ट हो गया है। अब ए सपोर्ट पे कौन आ जाएगा, 8 kN का लोड, उसके पीछे कौन होगा 2 m की दूरी पर, 2 kN, फिर 2 m की दूरी पर कौन रहेगा, 10 kN। ठीक है, अब हम फिर से आरए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब आरए की वैल्यू क्या कैलकुलेट करनी है, रिएक्शन कैलकुलेट करनी है। तो फिर वही बात आ गई, मूलर ब्रेस्लो प्रिंसिपल ने क्या कहा था, ये कहा था उन्होंने कि जिस भी सपोर्ट पे मुझे रिएक्शन कैलकुलेट करनी है वहाँ पे बीम को 1 kN से ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट कर दो। तो मैंने ए सपोर्ट पे जो बीम को अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट कर दिया, कितने से, यूनिट लोड से। तो अब क्या हो जाएगा, 8 kN के नीचे जो बीम है वो कितने मीटर से अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट हुई है, 1 kN के लोड से अपवर्ड डायरेक्शन में वो क्या हो गई है, लिफ्ट हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट फिर 2 के नीचे x से, 10 के नीचे y से, है ना। लेकिन 1 के नीचे आपको चेक नहीं करना, वो सपोर्ट से आगे शिफ्ट हो गया है। मुझे जो भी सपोर्ट या सपोर्ट के बाद जो भी लोड्स आ रहे हैं सिर्फ उनका वेरिएशन चेक करना है। ठीक है, तो 8 के नीचे 1 हुआ, 2 के नीचे x हुआ, 10 के नीचे y हुआ। अब सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से फिर से मैं x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेती हूँ। तो क्या हो जाएगा, 1/ टोटल बीम की डिस्टेंस कितनी है, अभी भी बीम की टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल स्पान लेंथ कितना है, 15 m ही है, है ना। तो कितना हो जाएगा, 1/15 इक्वल्स टू एक्स अपॉन, अब x से लेके b तक के कितनी डिस्टेंस है, 11+2 m, 13। तो 1/15 इक्वल्स टू x अपॉन 13, तो आपको यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 13/15, है ना। तो आपको ये x की वैल्यू कैलकुलेट हो गई है यहाँ से, ऐसे ही अपन y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, 1/15 इक्वल्स टू y अपॉन 11, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 11/15। नेक्स्ट हम यहाँ से आरए की रिएक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। आरए की रिएक्शन कैसे कैलकुलेट होगी, 8 के नीचे जितना भी जो बीम है वो अपलिफ्ट हुई है कितने से, 1 से। तो 8 × 1, 2 × x, 10 × y, तो x और y की वैल्यू पुट कर देंगे तो मुझे आरए पर रिएक्शन मिल जाएगी 17.06 kN। ठीक है, अब थर्ड पॉसिबिलिटी भी आप बना सकते हैं। इसमें क्या पॉसिबिलिटी, थर्ड पॉसिबिलिटी बनेगी, 1 और 8 दोनों आगे की तरफ मूव हो जाएंगे ए सपोर्ट से, और ए सपोर्ट पे कौन आएगा, 2 kN, और उसके बाद 2 m बाद 10 kN आएगा। तो अब आप ये देखिए इंटेंसिटी ऑफ लोड क्या होता जा रहा है ए सपोर्ट पे और ए सपोर्ट के बाद, इंटेंसिटी ऑफ लोड की इंटेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो आप ये मानिए कि अब ऐसा हो रहा है तो ए पे जो रिएक्शन है वो ऑब्वियस सी बात है कम ही आएगी, है ना। और फिर अगर 10 को भी हमने मूव करा दिया फोर्थ पॉसिबिलिटी के लिए तो और कम हो जाएगी रिएक्शन। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कब ऑकर हो सकती है, जब ए पे 1 kN होगा या फिर 8 kN का लोड होगा, दोनों में से जो भी हमने दो पॉसिबिलिटीज कैलकुलेट की उनमें से ही मैक्सिमम हो सकती है पॉसिबिलिटी। आप चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थर्ड पॉसिबिलिटी और फोर्थ पॉसिबिलिटी बना के भी चारों में से एक सिंगल आंसर जो भी मैक्सिमम होगा वो भी निकाल सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं होगा। बट मुझे पता है कि 2 और 10 आएंगे तो जो पॉसिबिलिटीज हैं वो क्या हो जाएंगी,
कम हो जाएंगी, मतलब ख़त्म ही हो जाएंगी वहाँ पे, इनके कंपैरिजन में रिएक्शंस क्या आएंगी, कम आएंगी, ठीक है। तो मैं इन दोनों, मैंने इसलिए दोनों पॉसिबिलिटी ली हैं, तो मैं दोनों के आर ए की वैल्यू चेक कर लेती हूँ। पॉसिबिलिटी नंबर वन में आर ए की जो रिएक्शन आई है 15.4 किलोन्यूटन आई है, और पॉसिबिलिटी नंबर टू में जो आर ए की रिएक्शन आई है 17.06 किलोन्यूटन आई है। सेकेंड पॉसिबिलिटी विल गिव द मैक्सिमम रिएक्शन एट ए सपोर्ट, ओके। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन खत्म हुआ। अब ऐसे ही हम इसी लेक्चर पे हम फोर्थ न्यूमेरिकल भी स्टार्ट कर लेते हैं आज। तो फोर्थ न्यूमेरिकल हमारा देखिए क्या है, ए यूडीएल ऑफ इंटेंसिटी 5 किलोन्यूटन पर मीटर एंड लेंथ 4 मीटर इज मूविंग ऑन ए स्पान ऑफ 20 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट टू राइट सपोर्ट। अब देखिए, मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड न्यूमेरिकल जो कराए थे आपको पॉइंट लोड पे कराए थे, पॉइंट लोड या फिर सीरीज ऑफ लोड मूव कर रहा था बीम पर, है ना। लेकिन अब मैं आपको जो क्वेश्चन करा रही हूँ उस पे जो लोड है वो यूडीएल है। अब यूडीएल मूव करेगा, ठीक है। तो यूडीएल में क्या बोल रहा है वो, ए यूडीएल ऑफ इंटेंसिटी कितने का इंटेंसिटी का यूडीएल है, 5 किलोन्यूटन पर मीटर का यूडीएल है एंड लेंथ उसकी कितनी है 4 मीटर। वो मूव कर रहा है 20 मीटर के स्पान पे, कहाँ से, लेफ्ट से राइट तरफ। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट विल बी द लोकेशन ऑफ यूडीएल व्हेन रिएक्शन एट लेफ्ट सपोर्ट इज ट्वाइस ऑफ रिएक्शन एट सपोर्ट बी। मतलब मुझे जो 5 किलोन्यूटन पर मीटर का जो यूडीएल है उसकी पोजीशन बीम पर इस तरीके से फिक्स करनी है कि जो आरए की रिएक्शन है वो किसके बराबर हो जाए, ट्वाइस ऑफ आरबी के बराबर, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो मुझे, मतलब यहाँ क्या कैलकुलेट करना है, मुझे ये जो यूडीएल है ना, ये वाला जो यूडीएल है उसकी मुझे पोजीशन बतानी है लेफ्ट सपोर्ट से। तो मतलब इसकी पोजीशन, मतलब मुझे ये वैल्यू पता नहीं है, ये वैल्यू पता नहीं है मुझे, मतलब ये एक्स मुझे कैलकुलेट करना है। लेकिन उसने एक हिंट दे दी है कि आर ए पे जितनी भी रिएक्शन होगी वो क्या होगी, किसके बराबर होगी, ट्वाइस ऑफ आर बी के बराबर। तो ये हिंट को यूज़ करके अपन एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और मुझे इसकी पोजीशन पता चल जाएगी, ठीक है। तो हम ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए आप इसका सॉल्यूशन, इसमें फिर से मैंने बीम बनाई और यूडीएल मैंने प्लॉट बना दिया है 5 किलोन्यूटन पर मीटर का, कितने मीटर पे लगा हुआ है, 4 मीटर पे, और उसकी दूरी कितनी है लेफ्ट सपोर्ट से, एक्स, क्योंकि मुझे पता नहीं है, वही तो मुझे कैलकुलेट करना है इसमें। तो अब मुझे रिएक्शन कैलकुलेट करनी है आर ए की, है ना। तो आर ए और आर बी की रिएक्शन अपन यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे उसने हिंट दी है कि आर ए किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ आर बी के बराबर है। आर ए किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ आर बी के बराबर है, है ना। तो मैं इस हिंट को यूज़ करूँगी, लेकिन उसके लिए मुझे आर ए और आर बी की वैल्यू तो पता हो। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, आर ए की वैल्यू कैलकुलेट करूँगी। आर ए मतलब आई एल डी फॉर आर ए, और बहुत फिर से वही बात आ गई, मुझे जिस भी सपोर्ट के लिए आर ए की वैल्यू निकालनी है उस सपोर्ट को, उस बीम को, उस जो पूरी बीम है और उस सपोर्ट पे जो बीम है, उस बीम को यूनिट लोड से अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट कर दो। तो वही बात आई, मुझे आर ए निकालना है, तो मैं ए सपोर्ट पे जो बीम है उसको यूनिट लोड से अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट कर दूंगी। तो ये देखिए आप, ये बीम लिफ्ट हो गई है। जैसे बीम लिफ्ट हुई तो अब ये क्या है, UDL है। UDL क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो अब ये UDL जो भी है उसका जो इंटेंसिटी रहेगा वो किस में आ रहा है, इस एरिया में आ रहा है। तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, जो भी हम पहले तो क्या करते थे, सिर्फ लोड के अंडर में जो भी डिस्प्लेसमेंट होता था उससे मल्टीप्लाई कर देते थे, लेकिन अब तो भाई पूरा का पूरा एरिया आ रहा है ना, तो इस एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको लोड को, ठीक है। तो ये इसमें नई बात थी, और बाकी का पूरा क्वेश्चन तो सिमिलर हो जाएगा। तो हम अब यही कैलकुलेट करेंगे। तो मतलब मुझे अगर हम देखें तो ये जो 5 किलोन्यूटन का लोड है वो कहाँ तक आ रहा है, ये 5 इधर तक, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू पी की, तो हमने उसको नाम दे दिया पी। ऐसे ही जहाँ पे यूडीएल ख़त्म हुआ है 4 मीटर के बाद, वो उस पर कौन सी वैल्यू आएगी, क्यू की, तो मैंने उसको नाम दे दिया क्यू। तो अब इस पी क्यू के बीच में जितना भी एरिया आ रहा है उससे आपको लोड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो मेरी रिएक्शन होगी काई की, आर ए की,
समझ में आई बात? ऐसे ही सिमिलर वे में हम आर बी के लिए कैलकुलेट करेंगे। अभी तो आर ए कर रहे हैं, तो पहले आर ए देखते हैं। तो आप सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से पी और क्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, क्योंकि जो आपको ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये क्या डायग्राम नजर आ रहा है आपको, ये है ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम का एरिया निकालना आपको आता ही है। ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू बेस, है ना, यही होता है। तो यहाँ पे सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन है? पी और क्यू है। इनटू बेस कितने का है, कितने मीटर पे लोड लगा हुआ था? 4 मीटर पे, तो बेस हो जाएगा 4। तो देखिए आप, मैंने यहाँ आरए के रिएक्शन में क्या किया है, 5 को मल्टीप्लाई किया है लोड को, किससे? एरिया से। सिमिलर वे में जैसे कि मैंने पॉइंट लोड में किया था, पॉइंट लोड में भी जैसे कि 2 kN का लोड लगा था, तो उसको किससे मल्टीप्लाई किया था? उसके अंडर में जितना भी बीम अपलिफ्ट हुआ है ना, उससे मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन वो पॉइंट लोड था तो हम उस पर डिस्टेंस मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन यहाँ तो UDL है ना, तो आपको पूरा एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरा अब काम क्या हो जाएगा? P और Q को पहले निकालना। तो P और Q को पहले मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी? सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से। तो ये कैसे कैलकुलेट करूंगी, देखिए बड़ा वाला ट्राइंगल क्या है, 1 है, और उसको अपन डिवाइड कैसे करेंगे? 20 ऑल ओवर स्पान से। तो 1/20 इक्वल्स टू पी अपॉन पी से लेके बी तक की डिस्टेंस कितनी है, कैलकुलेट करिए पी से लेके बी तक की डिस्टेंस कितनी है। 20 में से x घटा दो तो पी अपॉन 20 माइनस x हो जाएगा। तो यहां से आपको p की वैल्यू मिल जाएगी, 20 माइनस x अपॉन 20। नेक्स्ट अब मेरा काम क्या है, q की वैल्यू कैलकुलेट करना। q की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन? 1/20 इक्वल्स टू q अपॉन 1/20 मतलब 1 डिवाइडेड बाय होल स्पान। तो 1/20 इक्वल्स टू q अपॉन q से लेके b तक की डिस्टेंस। तो b तक की डिस्टेंस कितनी है, q से लेके b तक की डिस्टेंस 20 - x + 4, है ना, 20 - x + 4। तो यहां से q की वैल्यू मिल जाएगी आपको। Therefore, अब हम क्या करेंगे, आरए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। रिएक्शन, तो रिएक्शन का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जितना भी लोड है उससे जितना भी जो बीम है, उस पार्ट का बीम है वो जो कितने ऊपर अपलिफ्ट हुआ है अपवर्ड डायरेक्शन में, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। बट यहाँ दिक्कत ये है कि यहाँ UDL है, तो जो अपन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एरिया से। और वो जो डायग्राम बन रहा है वो कैसा बन रहा है, ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से मल्टीप्लाई कर देंगे लोड को। तो देखिए रिएक्शन में मैंने यही किया है, 5 एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो 5 ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हाफ इंटू पी प्लस क्यू इंटू 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने 5 और 4 को मल्टीप्लाई करते 20 हो गया, अपॉन में 2 कर दिया, ब्रैकेट में p की वैल्यू पुट कर दी। p की वैल्यू है 20 - x / 20 + 20 - x + 4 / 20। तो यहाँ से आपको r a मिल गया 18 - x। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरा काम क्या है, आर बी निकालना। तो अब नेक्स्ट मैं क्या कर रही हूँ, देखिए आर बी मैंने कैलकुलेट करा है सिमिलर वे में। आर बी बी सपोर्ट पे मुझे आर बी कैलकुलेट करना है, ILD बना प्लॉट करना है बी सपोर्ट के लिए। तो बी सपोर्ट को क्या करेंगे अपन, यूनिट लोड से अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट कर देंगे। तो डायग्राम देखिए कुछ इस प्रकार आपका बन गया। अब यहाँ से फिर से आपको पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो पी और क्यू की वैल्यू देखिए, सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज करके मैंने पी की वैल्यू निकाल दी, x/20 कैसे आया ये देख लेते हैं अपन। क्या हो जाएगा, 1/20 इक्वल्स टू पी अपॉन यहाँ से लेके इधर तक की डिस्टेंस कितनी है, x है, तो p अपॉन x। तो आपको यहाँ से p की वैल्यू मिल जाएगी x/20। ऐसे ही आपको q की वैल्यू मिल जाएगी, 1/20 इक्वल्स टू q से लेके b तक a तक की डिस्टेंस कितनी है, x + 4। तो क्या हो जाएगा, q अपॉन x + 4। तो यहाँ से आपको q की वैल्यू मिल जाएगी x + 4/20। अब rb की रिएक्शन अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वही बात आ गई फिर से rb की, क्या कि जितना भी लोड है उसको मल्टीप्लाई कर दो उस एरिया से। और एरिया कौन सा, ट्रेपेजियम है। तो वही सेम बात आ गई, 5 × 1/2 × 4 × p + q, p और q की वैल्यू पुट कर दो, तो rb मुझे मिल गया x + 2। अब क्वेश्चन में मुझे गिवन था, इट इज गिवन दैट आर ए इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ आर बी। तो आर ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दो और आर बी की वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 4.67 मीटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में अगर ए सपोर्ट से, मतलब लेफ्ट सपोर्ट से 4.67 मीटर पे अगर ये UDL रखा होगा, तो आर ए बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ आर बी के। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था UDL पे। तो 4 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए हैं, ताकि 4 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं ILD फॉर सपोर्ट रिएक्शन। सिमिलर वे में आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए, अगर कोई डाउट आता है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।